चलो आओ आओ। आप मेरा साथ ना ऐसा भी नहीं कर सकते, ये मेरा हक है। अच्छा। मेरा राइट है, आपने औरतों का हक मारा है। सीधी सी बात और बात करते हैं। आप मेरा साथ ना ऐसा भी नहीं कर सकते, ये मेरा हक है। अच्छा। मेरा राइट है, आपने औरतों का हक मारा है। सीधी सी बात और बात करते हैं। सीधी सी बात है, बस मेरे साथ आई वहाँ या ना जवाब दोगे मुझे, मेरे बच्चों ने कहा के बात कर दी। अंदर बैठ के बात करो। अगर आप रोशन को मना सकती कर देते हो तो परवाह चमार की क्यों नहीं है? आप झूठे वो बात, बस ये दिशा की बात है। चलो जी दीर साहब, दीर साहब क्या बात है? चलो अंदर चलो, मेरी बात सुनो। बात तो बनी हो, फोन तो बंद करो ना। बात किससे होगी? मेरे से नहीं होगी, किसी होगी। तू तो लंदन जाने आप मेरा साथ ना ऐसा भी नहीं कर सकते, ये मेरा हक है। अच्छा। मेरा राइट है, आपने औरतों का हक मारा है। सीधी सी बात और बात करते हैं। सीधी आप मुझे पार्टी में लाओ, आपने मुझे आसमान से लेकर नीचे फेंका। आप मेरा साथ ना ऐसा भी नहीं कर सकते, ये मेरा हक है। अच्छा। मेरा राइट है, आपने औरतों का हक मारा है। सीधी सी बात और बात करते हैं। सीधी सी बात है, बस मेरे साथ आई वहाँ या ना जवाब दोगे मुझे, मेरे बच्चों ने कहा के बात कर दी। अंदर बैठ के बात, अगर आप रोशन को एक्सेप्ट कर देते हो तो परवाह चमार की क्यों नहीं है? आप झूठे वो बात, बस ये दिशा की बात है। चलो जी दीर साहब, दीर साहब क्या बात है? चलो अंदर चलो, मेरी बात सुनो। बात तो बनी हो, फोन तो बंद करो ना। बात किससे होगी? मेरे से नहीं होगी, किसी होगी। तू तो लंदन जाने लब्बे भी नहीं करता। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है। मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा। यहाँ श्रीमान ओमी खजूरिया साहब भी हमारे बीच में हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे स्वयं सेवक बंधु हैं। हमें हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। मुझे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक कार्यकर्ता का, पोलिंग बूथ से लेके प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं का मुझे बराबर सम्मान है। हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप है, देव तुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा, एक एक करके सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर एक बात हमने पहले भी सुनी है। आपसे परामर्श, विचार विमर्श मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर कार्य किया है, और मैं आगे भी आप सब की बात सुनूंगा। सर, कैंडिडेट्स जो हैं, पैराशूट कैंडिडेट्स की जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके नाम काटे जाएंगे लिस्ट की नहीं? देखिए, हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेकर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली हैं। परिवार के सदस्य जब मिलकर रहते हैं और अनुशासन में रहते हैं तो परिवार मजबूत होता है। और इसलिए मैं यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से, जो जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से एक एक करके सबसे मुलाकात करूँगा। सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी, हर एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर किसी के मन में कोई मनमुटाव हो गया तो भी हम दूर करेंगे। लेकिन हम सबको अनुशासन में रहते हुए सब कार्य करेंगे।